नमस्कार, आप देख रहे हैं गॉड 24/7 और मैं आपके साथ रेनू चौहान। और वक्त हो चुका है इस वक्त की ताजा तरीन बड़ी खबरों का। पुलवामा हमला, भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव पर यूएनए ने जताई चिंता, कहा तत्काल उठाए कदम। जेडीयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी कड़ी निंदा, कहा जल्द से जल्द आतंकियों के खिलाफ की जाए कार्यवाही। अरविंद केजरीवाल का नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना, उनके लिए इमरान खान के साथ दोस्ती पहले है या देश। पुलवामा हमले में जांच में बेनकाब हुआ पाक, 7 आत्मघाती आतंकियों को ISI के कर्नल ने दी ट्रेनिंग। पुलवामा हमला, निर्मला सीतारमण ने इमरान खान पर किया पलटवार, कहा पड़ोसी देश नहीं करता है कोई कार्यवाही। पुलवामा हमला भारत की कोशिश से लाई रंग, फ्रांस ने कहा मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी करेंगे घोषित। पुलवामा आतंकी हमले पर बोले बाबा रामदेव, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, हमें पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। पुलवामा हमले को ट्रंप ने बताया भयानक हालात, कहा रिपोर्ट देख रहे हैं, जल्द बयान जारी करेंगे। शरद पवार ने पुलवामा हमले पर सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने पर पीएम मोदी की आलोचना की। पुलवामा हमला, जावेद जाफरी बोले अलग अलग राय होना राष्ट्रविरोधी नहीं है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमका 24/7 के साथ। धन्यवाद।